अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिन पाका किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू कीमा। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। आइए इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। नमक हाफ टेबल स्पून, हल्दी हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, खड़े मसाले में दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और गोल लाल मिर्च दो अदद, लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिल्ली कुटी हुई 1/2 टीस्पून, दो अदद टमाटर जिनको हमने ग्राइंड कर लिया है, 1/2 कप दही, 1 कप कुकिंग ऑयल, दो अदद बड़े साइज़ के आलू जिनको हमने काट के बॉईल कर लिया है। ये देखें इतने का आपने ये बॉईल करने हैं। दो बड़े साइज़ के प्याज जिनको हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। 1/2 kg बारीक मटन कीमा मैंने लिया है, आप बीफ या चिकन भी ले सकते हैं। पानी 1 गिलास, गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया कटा हुआ, सब्ज़ मिर्च कटी हुई, अदरक का 1 पीस लेके लंबी शेप में काट लें गार्निश के लिए। अब फ्लेम ऑन करके इस पर कढ़ाई रखें, इसको हल्का सा गर्म करके इसमें हम प्याज डालते हैं और साथ ही कीमा ऐड कर देंगे। अब हम इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं। एंड पर ग्रीन चिल्ली पेस्ट भी ऐड करते हैं। अब हम इसमें एक एक करके तमाम मसाले ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन देके इसको हल्की से फ्लेम पे रख दें ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। 20 मिनट बाद हमने ढक्कन उठाया है और ये देखिए मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत अच्छे से गल चुकी हैं तमाम चीज़ें। अब हम इसका पानी खुश करके इसको अच्छे से भूनेंगे। ये अब इसमें ना हल्का हल्का सा पानी है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के छोड़ देते हैं ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसकी खुशबू भी बीच में ही रहे। ये देखें 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन उठाया है, माशाल्लाह से इसका पानी खुश्क हो चुका है, ये बहुत अच्छी लुक दे रहा है। अब हम इसको भूनने के लिए इसमें तमाम चीज़ें ऐड करेंगे, दही और अदरक को भी बीच में हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे और इसके बीच में हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। ख्याल रखिए जब हम हंडिया को भूनते हैं तो उसका जायका फिर ही बनता है। हमने इसको अच्छे से भून लिया है, अब हम इसको ढक्कन देके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसमें गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून ऐड करते हैं और इसको मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन देके हल्की हीट पे रख देते हैं। दो मिनट बाद हमने ये ढक्कन उठाया है, इसकी खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें हम आलू ऐड करते हैं जो हमने 1/2 बॉईल किए हुए थे। आलू ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन देके इसके फ्लेम को हल्का करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि घी इसका ऊपर आ जाए और इसकी लुक अच्छी बन जाए।
ये देखें इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये चटपटा आलू कीमा तैयार है, आप भी ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।